हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों दिल्ली DSSSB द्वारा प्राइमरी टीचर के 4,366 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो अपना आवेदन जल्द से जल्द कर सकते हैं। क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया वो जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। जैसा कि दोस्तों दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB ने टीचर प्राइमरी 4,366 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई 2018 तक निर्धारित प्रारूप के तहत आवेदन कर सकते हैं। सो जैसा ही गाइस जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटेल्स के विषय में, तो बता दें इसमें पहला आता है महत्वपूर्ण तिथियां। जी हां, आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि 2 जुलाई 2018 है, तो वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2018 है। तो वहीं आगे आता है पदों का विवरण, तो बता दें आपको टीचर यानी प्राइमरी के पदों के लिए 4,366 पद रिक्त हैं। तो जैसा कि दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया डिटेल की, तो बता दें आपको इसमें पहला आता है अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इसके समकक्ष योग्यता अनिवार्य है। तो वही दूसरा आता है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में 2 साल का डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट कोर्स या इसके समकक्ष योग्यता या एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो वही तीसरा आता है सेकेंडरी लेवल पर एक विषय के रूप में हिंदी में पास होना अनिवार्य है। तो वही चौथा आता है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। तो वही पांचवा आता है अभ्यर्थियों के पास CTET योग्यता होनी चाहिए, इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप अधिसूचना को देखना ना भूलें। तो गाइस आगे आता है एज लिमिट क्राइटेरिया डिटेल। तो जैसा कि गाइस बता दें आपको, विभाग द्वारा जो उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित की गई है वो ये है कि 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथवा अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक अधिसूचना को देखना ना भूलें। सो गाइस जैसा कि आखिर में आता है आवेदन कैसे करें, तो बता दें आपको सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिल्ली सबऑर्डिनेटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.dsssbonline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अपना आवेदन 30 जुलाई 2018 तक या उससे पहले पहले कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।